अस्सलाम वालेकुम, नमा नमा सिद्दीकी एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपके सामने जो कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सर, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, सर आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड करना है। आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड करना है, रादर देन व्हेन द कैश रिसीव। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने सेल्स की ऑन अकाउंट या क्रेडिट। सर, आप एंट्री क्या बनाते हैं? आप एंट्री बनाते हैं क्या? अकाउंट से बल डेबिट सेल्स क्रेडिट। जी हाँ, जो आप ये एंट्री बनाते हैं अकाउंट से बल डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये आप एक्रूअल बेसिस के तहत ही बनाते हैं। सर, अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग पे होते तो आप इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? क्योंकि कैश तो आपको मिला ही नहीं है। सर, कैश तो आपको मिला ही नहीं। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यही कहता है कि आपने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, जो आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो अर्न बेसिस, जब पैसा आपने कमा लिया। देखें, कमाना और बात है, मिलना और बात है। आपने सामान बेच दिया, इसका मतलब आपका रेवेन्यू अर्न हो गया। अब पैसा मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है। सही है। एक्सपेंस के लिए, सर एक्सपेंस के लिए एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग क्या बोलता है कि एक्सपेंस को आपने तब रिकॉर्ड करना है जब वो इनकर्ड हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने एक जगह इस्तेमाल की पूरे महीने, और महीने के आखिरी तारीख को आपको रेंट पे करना था। आपने महीने की आखिरी तारीख निकल गई, आपने रेंट पे नहीं किया। आप एंट्री बनाते हैं रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड रेंट पेएबल क्रेडिट। आप एंट्री बनाते हैं, सर रेंट एक्सपेंस डेबिट रेंट पेएबल क्रेडिट। सर, जो आप ये एंट्री बनाते हैं ये आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत ही बनाते हैं। ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के तहत ही बनाते हैं। सर, अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग में चल रहे होते तो आप रिकॉर्डिंग ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपने कैश अभी पे ही नहीं किया। आपने अभी कैश रेंट के अगेंस्ट पे ही नहीं किया। तो सर, सिंपल अगर मैं दो लफ्ज़ों में इसको सम अप कर दूँ विदाउट एनी इंग्लिश डेफिनेशन, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है रेवेन्यू के लिए आपने रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग मतलब एंट्री बनाना। एंट्री आप रिकॉर्डिंग तब करेंगे, रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग कब करेंगे? जब वो अर्नड हो जाएगा। कैश की बात नहीं करेंगे, मिला नहीं मिला वो अलग बात है। और एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग आप तब करेंगे जब वो इनकर्ड हो जाएगा, जब आपके ऊपर एक लायबिलिटी है कि भैया उसको आपने पे करना है। क्यों? जगह इस्तेमाल कर ली, जगह के आपने मज़े ले लिए, तो आपने उसको रेंट पे करना है। आगे मैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ, वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। जी हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये अकाउंटिंग का। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये कॉन्सेप्ट दो बातें करता है बहुत ही आसान सी, कि आपका रेवेन्यू कभी भी ओवरस्टेट नहीं होना चाहिए। और आपका एक्सपेंस कभी अंडरस्टेट नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? सर, आप कभी गलती से रेवेन्यू ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर लिएगा। जब तक पैसे मिलने के सारे आसार दिख जाए, पैसा रिकॉर्ड नहीं, आसार की बात नहीं होगी, आसार को नहीं देखिएगा मिलने वाले में। जब तक मिल ना जाए ना, पैसा रिकॉर्ड नहीं करना है आपने। रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना है जब तक वो अर्न ना हो जाए। और ये कॉन्सेप्ट एक्सपेंस के लिए क्या बोलते हैं? सर, एक्सपेंस कभी अंडर स्टेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना कि यार पैसा निकलेगा, चांसेस हैं, अभी रिकॉर्ड कर लो। रेवेन्यू के लिए बोल रहा है जब तक मिल ना जाए, जब तक अर्न ना हो जाए। कैश है तो रिसीव ना हो जाए, रेवेन्यू है तो अर्न ना हो जाए, तब तक रिकॉर्ड नहीं करना। और एक्सपेंस के लिए बोल रहा है अभी हुआ नहीं, इनकर्ड नहीं हुआ, पैसा गया, चांस लग रहा है बस जाने का, गया नहीं है, एक्चुअल में हुआ नहीं है एक्सपेंस, लेकिन चांसेस हैं, चांस लग रहा है कुछ हो जाएगा, कर लो अभी से रिकॉर्ड कर लो। ये कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है? वंस अगेन दो लफ्ज़ों में, रेवेन्यू के लिए जब तक अर्न ना हो जाए या कैश है तो रिसीव ना हो जाए, कैश बेसिस ऑफ रेवेन्यू अगर, तो जब तक रिसीव ना हो जाए आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करनी। और एक्सपेंस के लिए अपोजिट, चांस लग रहा है अभी से आप प्रोविजन बना लो कि आपका एक्सपेंस होगा। तो आई होप आपको ये दो छोटे छोटे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।